जैसे कि देख के पता चल रहा है, आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक सिंपल सा इन्वर्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ट्रांजिस्टर को हीट सिंक के साथ अटैच कर रहा हूँ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत आसान है कि इसे कोई भी बना ले, मगर ये जो सर्किट है ये बहुत पहले यूज किया जाता था। अगर किसी को सिर्फ एक या दो बल्ब जलाने हैं तो ये कारगर है, वरना मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ही बोला था ये इन्वर्टर एक दो बल्ब के लिए सूटेबल है। ये जो सड़क किनारे लोग खाने का ठेला लगाते हैं, ये उन लोगों के लिए सूटेबल है, सस्ता और काम चलाओ भी। ये जो सर्किट है ये आप 100 रुपए के अंदर बना सकते हो। अब एक 470 ओम का रेजिस्टर को एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ सोल्डर कर देना है और रेजिस्टर के दूसरे हिस्से को दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस के साथ सोल्डर कर देंगे। अब इस ट्रांजिस्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। ट्रांजिस्टर्स के एमिटर पिंस को आपस में कनेक्ट कर देना है। अब दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर्स के साथ एक एक वायर को सोल्डर कर देना है। अब ट्रांजिस्टर के एमिटर के साथ एक वायर को सोल्डर कर देंगे, वो बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट होगा। अब एक 12 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लेना है। दोनों वायर्स को ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट के दोनों के पॉइंट्स के साथ सोल्डर कर देना है। आप एक वायर लेके ट्रांसफार्मर के 0 वाले पॉइंट्स से सोल्डर कर देंगे, वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। ये पार्ट मुझे एक पुराने UPS से मिला था, इसको ट्रांसफार्मर के आउटपुट वायर से सोल्डर कर देंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना।